तो फाइनली हीरो कंपनी की डेस्टिनी 125 एक्सटेक का नया वेरिएंट यहाँ पे लॉन्च हो चुका है, जहाँ पे देखेंगे तो काफ़ी सारे यहाँ पे चेंजेस किए गए हैं। और कौन कौन से चेंजेस हुए हैं इस वीडियो में आइए बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो चेंजेस हुई है वो इसकी डिजाइनिंग हुई है। अब इसमें नए डिजाइनिंग का DRS दे दिया गया, जो कि आपको एच शेप में देखने को मिल जाएगी, यानी कि इसका जो हेडलैम्प का डिजाइनिंग है पूरी तरह से यहाँ पे चेंज कर दी गई है। साथ ही जो इसका फ्रंट एप्रन है ये भी यहाँ पे चेंज कर दिया गया है। अब आपको एच शेप में क्रोम की फिनिश यहाँ पे देखने को मिल जाएगी और यहाँ पे ब्रॉन्ज वाले फिनिश भी यहाँ पे देखने को मिल जाती है, लेकिन ये अलग अलग कलर में आपको अलग अलग यहाँ पे जो फिनिश है वो आपको देखने को मिलेगी। 5 कलर ऑप्शन के साथ इसको लॉन्च की गई है, जहाँ पे 3 वेरिएंट VX, ZX और ZX प्लस में लॉन्च की गई है, जहाँ पे आपको फीचर्स भी यहाँ पे अलग अलग देखने को मिलेगी। साथ ही जो इनर पार्ट है वो आपको इसके टॉप वेरिएंट मिलेगा, बेस मॉडल में आपको ब्लैक पार्ट्स देखने को मिल जाएंगे। साथ ही इसके और भी चेंजेस की बात करिए तो सबसे बड़ा जो चेंज हुआ है वो इसके टायर साइज़ में हुआ है। पहले 10 इंच के टायर आते थे तो काफ़ी सारे लोग का डिमांड था कि 12 इंच के टायर दिए जाए, तो यहाँ पे जो टायर है वो चेंज कर दी गई है। इसके फ्रंट में आपको 90x90 का 12 इंच और रियर में 100x80 का 12 इंच के टायर्स दे दिए गए हैं, जिसके फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक और ड्रम ब्रेक ऑप्शन मिल जाएगा, रियर में ड्रम ब्रेक दिया गया है। साथ ही जो इंजन मिलेगा, इंजन पहले की तरह दिया गया है, वहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं किया गया। 124.6 सीसी के साथ मिलेगा एयर कूल्ड इंजन, जो कि 9 BHP का पावर और 10.4 Nm का टॉर्क इन करेगी। साथ ही जो सस्पेंशन है वो भी पहले की तरह टेलीस्कोपिक फोर्क और रियर में सिंगल कॉइल स्प्रिंग हाइड्रोलिक टाइप सस्पेंशन दिया गया है। बाकी यहाँ पे अगले चेंजेस की बात कर रहे हैं तो उसकी बात कर ले तो यहाँ पे जो मीटर कंसोल है वो यहाँ पे चेंज कर दी गई है पूरी तरह से। फुली डिजिटल डिस्प्ले मिलता है, जो कि कनेक्टिविटी फीचर के साथ मिलेगी। साथ ही इसमें आपको टर्न बाई टर्न नेविगेशन भी देखने को मिलेगा, लेकिन ये इसके केवल मिडिल और टॉप वेरिएंट मिलेगा, बाकी बेस मॉडल में डिजिटल एनालॉग मीटर कंसोल मिलेगी। तो ये भी आपको एक नया चेंजेस मिल जाएगा। इसके अलावा इसमें एक नया जो चेंजेस किया गया है, इसमें जो टर्न इंडिकेटर लाइट दिया गया है ऑटो ऑफ कर दिया गया है, यानी कि 15 सेकंड के बाद जो टर्न इंडिकेटर है नहीं बंद करेंगे तो ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगी, जैसा कि TVS जुपिटर में भी लॉन्च किया गया है। सेम वही फीचर्स यहाँ पे भी देखने को मिल जाती है। बाकी यहाँ पे लंबी सीट मिल जाती है, पीछे बैकरेस्ट पहले की तरह दिया गया है, सीट के नीचे स्टोरेज मिल जाएगा, जहाँ पे LED लाइट सेटअप भी दिया गया है, फ्रंट में एक ग्लोव बॉक्स मिल जाता है और ऊपर USB चार्जिंग सॉकेट भी मिल जाएगा। तो ये सारे फीचर्स यहाँ पे मिलने वाले हैं। साइड वाले पैनल भी यहाँ पे पूरी तरह से चेंज कर दी गई है, तो आपको बिल्कुल नए फ्रेश लुक के साथ नए फीचर्स के साथ आपको हीरो कंपनी की डेस्टिनी 125 एक्सटेक मॉडल मिलेगी। बाकी इसके जो प्राइसिंग कितनी होने वाली है अभी रिवील नहीं की गई है, तो जैसे प्राइस बताई जाएगी आपके लिए वीडियो फिर से लेकर आएंगे। बाकी इसकी प्राइस क्या होना चाहिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।